लगभग पिछले 20-22 दिन से जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए हमने पहले अनाउंसमेंट जो लंगर की और उसके बाद जो जमींदार भाइयों को फसल ख़राब होगी उनके लिए फ्री पनीरी की, तो इसमें जो नंबर वायरल हुआ वो शायद उन परिवारों तक भी पहुंच गया जो वाक्य में टूट चुके हैं, जो बिखर चुके हैं एक कुदरती आपदा के, जिनके घर की छत भी डिग गई, घर भी डिग गए और हालात बेहाल हो चुके। मैं पूरे पंजाब वासियों से अपील करूंगा कि अगर आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई घर है जिसकी छत डिगी है या जो बेसहारा हो गया है, घर से बेघर हो गया है, तो हमने उनके घर की मरम्मत भी करानी है मिलजुल के। हमने उनके बच्चों की जो किताबें बह गई हैं, जो सामान बह गया है, जो ख़राब हो गया है, जो कपड़े बिस्तरे छोटी से छोटी चीज़ें भाई, इसमें हमने मिलजुल के एक दूसरे का साथ देना है और सहयोग करके हमने उन चेहरों पे खुशी लेके आनी है। और मैं अपील करूँगा सभी भाइयों से, ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये हमारे जिम्मेवारियाँ जो ली हैं, तन मन धन जैसे भी आपसे सेवा बने, हमने मिलजुल के इस मिशन को सक्सेस करना है। कुदरत जदों कहर बरसाती है तो सारे पासे जिहड़ी कि तबाही है वह नज़र आती है। गल जेकर पंजाब दी करिए तां पंजाब दे विच वी कुदरत दा कहर है जिहड़ा कि देखण नूं मिलिया है। अद्धे पंजाब दे विच हड़ा वर्गे हालात बने हुए ने, हड़ आए हुए ने, तां कई लोकां दे जिहड़े कि घर ने उह ढह गए ने, घरों बेघर हो गए ने, तां काफ़ी सारियां संस्थावां अगे आईयां ने जिन्हां दे लई खाण पीण दा जिहड़ा कि इंतजाम उह कीता जा रिहा। तां हुण पंजाब दे लोकां दे लई किसानी अंदोलन दे विच फेमस होए गोल्डन हट वाले राम सिंह राणा जी, वह भी अगे ले आए ने, तो गलबात करांगे साडे नाल मौजूद ने राणा जी, भी किस तरह की जिहड़ी कि सहायता उन्होंने वल्लों की जानी है। राणा जी, पंजाब दे विच कुदरत दा जिहड़ा कहर है देखने मिल रहा है, तो तुसीं भी हुण पंजाब दे लोकां दे लई एक बार फिर तो अगे वधे हो, तुहाडे वल्लों किहो जिही जिहड़ी कि सहायता वह लोकां दी की जा रही है? भाई जी, पहले तो सभी भाइयों को सत श्री अकाल, राम राम। लगभग पिछले 20-22 दिन से जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए हमने पहले अनाउंसमेंट जो लंगर की और उसके बाद जो जमींदार भाइयों को फसल ख़राब होगी उनके लिए फ्री पनीरी की, तो उसमें जो नंबर वायरल हुआ वो शायद उन परिवारों तक भी पहुंच गया जो वाक्य में टूट चुके हैं, जो बिखर चुके हैं एक कुदरती आपदा के कारण, जिनके घर की छत भी डिग गई, घर भी डिग गए और हालात बेहाल हो चुके। तो जब उनके को फ़ोन आता है मेरे पास और उनकी दर्द जो आवाज़ होती है, और जो मतलब मैं क्या, कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जो उस समय है ये, लेकिन उसको फील किया जा सकता है भाई। हाँ, वाक्य में जिसके साथ बनती है उसको पता है, बिल्कुल ये तो सही है। जिसके घर की छत नहीं हैगी तो उन्होंने पता भी वो हालात है किस तरह के नार रात जो कट रहे हैं। तो जब वो मैसेज आता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, लेकिन मैं क्या, कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन मैं देखता हूँ दायरा बहुत बड़ा है, कोई ये 10-20-50 घर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पता नहीं कितने घर बेघर हो गए हैं। तो मैंने पूरे सारा सोच समझ विचार करके जो परमात्मा ने कराना है कराने वाला वो है, आपा कोशिश जो अपनी है। मैं पूरे पंजाब वासियों से अपील करूँगा कि अगर आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई घर है जिसकी छत डिग्गी है या जो बेसहारा हो गया है, घर से बेघर हो गया है, तो हमने उनके घर की मरम्मत भी करानी है मिलजुल के। हमने उनके बच्चों की जो किताबें बह गई हैं, जो सामान बह गया है, जो ख़राब हो गया है, जो कपड़े बिस्तरे छोटी से छोटी चीज़ें भाई, इसमें हमने मिलजुल के एक दूसरे का साथ देना है और सहयोग करके हमने उन चेहरों पे खुशी लेके आनी है, जिन चेहरों की खुशी पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं वो दोबारा आने में कितना टाइम लगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी भाई। हमने मिलजुल के इस मिशन को एक जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए एक सहयोग के रूप में, एक भाई के रूप में, एक साथी के रूप में, एक परमात्मा के रूप में हमने खड़ा होना है सभी भाइयों ने, और उन भाइयों का सहारा बनना है जिनको जरूरत है। और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता इसमें, सभी भाई हर गांव से 10-20 भाई मेरे साथ जुड़े हैं, ताकि उस गांव के
जो रियल में जरूरतमंद है उन तक ये सेवा पहुंच सके। और हर भाई की जरूरत है आज एक के साथ एक खड़ा होने की। और मैं अपील करूंगा सभी भाइयों से, ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये हमारे जिम्मेवारियाँ जो ली हैं, इन कोई फ़ोन नंबर बोल के भी दाल 9896703798। ये हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज है। आज तक हमने कभी नहीं बोला था, लेकिन आज जरूरत है हमें एक दूसरे का साथ देने की। सारी एक्टिविटी आपकी इन पेजों के ऊपर डेली आएगी, हर रोज़ मीडिया नहीं आ सकता, लेकिन हमें इन चीज़ों में बिल्कुल एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का साथ दे के करना है। जिस भाई से जिस तरह की भी सेवा, तन मन धन जैसे भी आपसे सेवा बने, हमने मिलजुल के इस मिशन को सक्सेस करना है। और उन सभी भाइयों के लिए दोबारा फिर वही चेहरे के ऊपर उनकी हंसी खुशी लेके आनी है। मैं सभी भाइयों से अपील करूंगा कि इसमें साथ दीजिए। रामचंद्र जी, जिन्हां दे घरां दी मुरम्मत है, घरां दी मुरम्मत कराई जानी है, या फिर जिन्हां दे घर पूरी तरह नाल तबाह हो चुके ने, टैटेरी हो चुके ने, उन्हां दे घर भी नवे बनाए जाणगे। भाई जी देखो, मैं ये अनाउंसमेंट सिर्फ उन भाइयों के लिए है जो बेबस हैं, इसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं घर ढहने। लेकिन हम ज़्यादा भी नहीं है तो एक कमरा एक बाथरूम तो बना के दे सकते हैं जिनको जरूरत है। जैसे भी होगा, सब मिलजुल के जब सब भाई साथ होंगे, कोई ईंट देगा, कोई रेता देगा, कोई सीमेंट देगा, चाहे कोई 10 ईंट की ले, चाहे 10 किलो सीमेंट ले, 1 कट्टा सीमेंट की सेवा ले, जैसे भी मिलजुल के जब सब साथ देंगे तो हर चीज़ संभव है। ऐसा कुछ भी नहीं है धरती के ऊपर जो असंभव है। जब एक सब मिलजुल के एक नेक काम में हाथ बटाएंगे तो मेरे को विश्वास है परमात्मा इज्जत रखेगा उस चीज़ की। और सबको हम दोबारा जो हमारे मन का भाव है, उस भाव से हम दूसरे को, एक दूसरे के काम आएंगे। रामचंद जी, खाने वाली खाने पीन की चीज़ें जेकर गल करिए, पानी बहुत पहुँच रहा, राशन बहुत पहुँच रहा। हूँ तो जिहड़े लोग हड़ पीड़ित आप कह सकते हैं, हूँ तो वह भी लोग कह लग गए भी सानू राशन नहीं चाहिए, राशन साढ़े को बहुत है, साड़ी जी दूजी जी सहायता वा वह की जाए। तो जिवें तुसीं घर की गल की, घर बना के दोगे, तो इस जेकर गल करिए स्कूलों के बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होया, घर रहन के लिए बिस्तरे चाहिए होंगे ने, या फिर जिन्हों के डंगर तक रुड़ गए हैं पानी के, उन्होंने किस तरह मदद की जाएगी? भाई जी, मैंने वही अपील की है, हर भाई जिसके घर में हो सकता है वेस्ट फर्नीचर पड़ा है वो दें, एक एक बिस्तरा भी सभी भाई देंगे और वहाँ तक पहुँचेगा तो बहुत कुछ है यार। परमात्मा देने की कमी नहीं छोड़ता, अगर आप सच्चे मन से भाव से कोई सेवा करते हो तो परमात्मा उस चीज़ में आपका साथ देता है। और सभी भाई मिलजुल के थोड़ा थोड़ा जिससे जो सेवा बनेगी, कोई बिस्तरा देगा, कोई किताबें देगा, कोई कापी देगा, सब मिलजुल के हमने हर चीज़ उनको वापस करनी है जो समय से ने उनसे छीन ली है। हमने हर खुशी उनको देनी है जिसकी उनको जरूरत है। और सभी भाई मिलजुल के जब इस कार्य में खड़े होंगे तो सक्सेस एक दिन 100% जी। तुसी अगे आए हो लोगों की मदद के लिए, तो कि थोड़े नाल भी लोग मदद के लिए अगे आए हैं, जिहड़े दानी सज्जन ने, तो जिन्हों को टाइम नहीं है, समा नहीं है, पर पैसों नाल जां फिर वस्तुओं नाल किसी की मदद कर सकते हैं। भाई जी, मैंने आज तक इतनी लंबी लड़ाई पहले भी हमारी किसान आंदोलन की है या लॉकडाउन की रही है, कभी अपील नहीं की, लेकिन ये कार्य बड़ा है। मैं सभी भाइयों से अपील करूँगा यार, अगर आपको विश्वास है तो प्लीज़ मेरे साथ दीजिए। और मैं आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूँ कि आपका जो भी सहयोग होगा वो हर उस जरूरतमंद तक पहुँचेगा जो रियल में नीडी है। मैं हर गाँव में हर भाई से अपील करूंगा, जो नौजवान भाई हैं हमारे, जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, ये अकेले राम सिंह की या उस भाई की लड़ाई नहीं है जिसके ऊपर कहर गिरा है, ये हर इंसान, इंसानियत को जो प्यार करते हैं उनकी लड़ाई है। आप वॉलंटियर के रूप में सहयोग कर सकते हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ताकि जरूरतमंद तक पहुँचे और वो जरूरतमंद तक की आवाज़ हमारे तक आए, और हम मिलजुल के यार करेंगे, हम बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं जब मिलजुल के एक काम में हम हाथ बटाएंगे एक दूसरे का, तो परमात्मा कामयाबी ज़रूर देगा। और आप देखोगे कि भाई बहुत जल्दी बहुत कुछ हो गया और दोबारा फिर सब हंसते खेलते नज़र आएंगे। राम सिंह जी, का आखिरी सवाल है मेरा, अधे पंजाब दे विच हड़ है जिहड़े कि आए हुए ने, तुसी पर्टिकुलर कोई जगह सिलेक्ट की गई है कि जां फिर पूरे पंजाब दे विच ये सेवा तुसी मुहैया करवाओगे? भाई जी, पूरे पंजाब के बीच कोई भी ऐसा घर नहीं, मेरी कोशिश रहेगी, बंदा कोशिश कर सकता है कि एक भी घर ऐसा ना बचे जो इससे पीड़ित होकर वो परेशान रहे।
हमने हर उस जरूरतमंद को जिसको रियल में नीड है, इसीलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि हर गांव से मेरे को 10-20 भाई मेरा साथ दीजिए, आज मेरे को आपके साथ की जरूरत है, हर भाई मेरे साथ आइए और जो उस गांव के जरूरतमंद हैं उनकी हम तन मन धन से जैसे भी हमारे से जरूरत पूरी हो सके हमने जरूरत पूरी की। तो बिल्कुल ऐसा राम सिंह राणा जी, जिवें असीं पंजाब दे विच देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों तो हालात ने जिहड़े काफ़ी ज़्यादा नाजुक बने हुए ने, जिन्हां इलाकों दे विच हड़ आए हुए ने तो तस्वीरां बेहद दर्दनाक ने, उतों की लोग जिहड़े कि बेघर हो चुके हुए ने। गल जेकर जो स्टार्टिंग की करते हैं तो लोग बहुत सारे अगे आते हैं खाण पीन का समान लैके आते हैं, पर उस तो बाद हम लोगों के वालों भी कहा गया खाण पीन का समान साढ़े को बहुत है तो हम साड़ी जिहड़ी कि दूजी सहायता की जाए तो राम सिंह राणा जी अगे आए हैं जिन्हों के आशियाने ढह चुके हैं घर ढह चुके हैं उन्होंने जेडे कि नवे घर है बना के देने तो नाल दी नाल जिन्हों के घर पूरी तरह ढह चुके हैं उन्होंने भी एक कमरा और एक बाथरूम है बना के उन्होंने वालों दिता जाना। तो असं भी अपील करते हैं कि इस वीडियो को वो शेयर करो तो जो एक जरूरत मंथ तक पहुँच सके, तो कोई भी जरूरतमंद परिवार है जिहड़ा कि राम सिंह राणा जी उन्होंने कॉन्टैक्ट कर सकता है तो उन्होंने वालों बनती जिहड़ी कि सहायता वो की जाएगी, चाहे वह घर की मुरम्मत हो फिर नवे घर बनाने की गल करिए फिर घर के जो समान होंगे कूलर फ्रिज अलमारी बिस्तरे तो हर एक तरह की जिहड़ी कि मदद है वह राम सिंह राणा जी वालों देने की जिहड़ी कि गल है जिहड़ी कि कही गई है। कैमरा परसन रोहित नाल हिम्मत सिंह दीपाल दैनिक सवेरा दुराहा।